देखिए अच्छा है कि ये हमारे घर में हमेशा रहता है प्याज, जिसको आप देख रहे हैं। हमारे बुजुर्ग इस प्याज से क्या क्या फ़ायदा उठाते थे, मैं आपको उनमें से आज एक ऐसा फ़ायदा बताने जा रहा हूँ जो आप देख के सुन के अचंभित हो जाएंगे, वह आप सोचेंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे बुजुर्गों को जो हमारे घरेलू चीज़ों के बारे में पता था, हम कैसे भूल गए। देखिए वो क्या करते थे प्याज से, प्याज को काट लेते थे और काटने के बाद इसका क्या करते थे, काटने के बाद वो इसके पीसेज कर लेते थे सुबह छोटे छोटे, और पीस करने के बाद इसका कैसे प्रयोग करते थे और कितना बढ़िया प्रयोग करते थे उस टाइम में, आप देखते रहेंगे। और आप इसका प्रयोग अगर करेंगे तो आपको ऐसे फायदे होंगे कि आप ने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखिए हमने इसको काट लिया है और काटने के बाद हमने आज तो हमारे आधुनिक युग की बहुत सी हमें सहूलतें मिली हुई हैं, उसके मुताबिक हम इससे काम लेंगे। लेकिन पहले ज़माने में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी हर चीज़ में, लेकिन आज बहुत सहूलियत हो गई है काम में। इसीलिए पहले तो सिल बट्टे वगैरह में इसकी पिसाई करते थे, लेकिन आज हमारे पास आधुनिक टाइम की वजह करके हमारे पास ये मिक्सी ग्राइंडर है, जिसके अंदर डाल के हम इसको पीस लेते हैं और इसका हम फिर किस प्रकार से और किस चीज़ के लिए प्रयोग करेंगे, यह भी आपको दिखाएंगे और यह भी दिखाएंगे कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, क्या इसका फायदा होगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ ताकि आपको इसका इतना अचंभित करने वाला फायदा आपको बताएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी आप इसको ये देखिए, हमने इसके अंदर ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद हमने इसका क्या करना है, इसको एक ये साफ कपड़े के ऊपर डाल लेना है। साफ कपड़े के ऊपर डाल के हमने इसका क्या करना है कि इसका हमने रस निकाल लेना है, और इसका रस निकाल के हम किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे, आप बने रहिए ताकि आपको ये देखिए हमने कितना रस निकल गया है। अब इस रस से हमने क्या करना है, इस रस के अंदर है? इस रस के अंदर हमने ये देखिए ये रुई है कपास, जो कि बिल्कुल साफ होनी चाहिए, बढ़िया वाली डॉक्टरी वाली ले ले तो अच्छा है। इसको भिगो लेना है, भिगो के अच्छी तरह से हमने इसको छाया में सुखा लेना है। अब सूखने के लिए हमने इसको रख दिया है। अब क्या है कि ये हमने जैसे आज सूखने के लिए रखी है, छाया में कल तक ये सूख जाएगी। तो अब हमने दूसरे दिन इसका क्या प्रयोग करना है, सूखने के बाद इसको हमने सूख चुकी है तो क्या करना है कि इसको ये एक दिया लेना है, दिया के अंदर ये हमने तिल का तेल भर लेना है। तिल का तेल भरने के बाद इस सूखी हुई जो हमने सूख उसके अंदर सुखा ली थी प्याज के रस में कल हमने वो भिगो दी थी, आज सूख चुकी है, इसको हमने इस तेल के अंदर रख लेना है। और इसके अंदर हमने क्या करना है, दिया सलाई से इसकी एक किस्म की जोत जला लेनी है। तो अभी यह हमारी जोत जल चुकी है, अभी हम इसका क्या प्रयोग करेंगे, तो आप बने रहिए देखते रहिए। अभी इसको हमने क्या करना है, इस जोत के साथ हमने इसके ऊपर ये एक बर्तन पीतल का जो है उसको हमने इसके ऊपर रख दिया है। अब इस पीतल के बर्तन के नीचे हमारी ये जो जल रही है जलती रहेगी, और थोड़े टाइम बाद हम आपको दिखाएंगे इसकी जो धुआं उठेगा वो धुआं कालिश इसके अंदर जम जाएगा। ऐसा है कि अगर पीतल, आपको पता है पीतल या तांबा, तांबा ठंडा होता है, और तांबे का बर्तन भी हम इसके ऊपर रख लेते हैं, और पहले तो कांसी के बर्तन होते थे, कांसी के बर्तन रख लिए जाते थे। तो इस प्रकार हमारे माता जी, हमारी दादी जी, हमारी नानी जी,
हमारे परिवार के अंदर ऐसे रख देते थे। कई लोग इसी ढंग से और ढंग से भी इसको बनाते थे, लेकिन वो इतना कारगर नहीं होता था जितना कारगर ये रहता था। तो अभी क्या है, थोड़ी देर में आप देखेंगे हम इसका फिर आगे प्रयोग कैसे करते हैं। ये हमारा तैयार हो जाता है, थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा और आप देखेंगे कि इसके अंदर से जो धुआं उठेगा उससे इसके अंदर कालिश सी पैदा हो जाएगी, और वो कालिश क्या काम करेगी उसको हम अभी, उस कालिश से क्या क्या काम हो सकते हैं, और हमारे बुजुर्ग इससे क्या क्या फायदा उठाते थे, वो सब आपको पता चल जाएगा। आप अगर इसको देखते रहेंगे और इसको बनाएंगे तो आपको बहुत फायदे होंगे। हम इतनी वो लगा रहे हैं जिससे पूरा धुआं बन सके, धुआं निकल सके, आपको दिखा सकें कि ये जो कालिश इसमें तांबे में या पीतल में और या कांसी में अलग अलग काम करती है। सबसे जो बेहतर होती है वो कांसी के बर्तन में बनती है, और कई जो है मिट्टी का दिया भी ऊपर रख देते थे, मिट्टी के दिए से बना लेते थे, और कोई सरसों के तेल से बनाते थे। लेकिन सरसों के तेल वाली जो होती थी वो सिंपल या सुहाग के लिए बनाते थे, और जो ये तिल के तेल वाली और इस प्रकार से ये बन जाती है, तो इसके साथ किस प्रकार से क्या क्या मिला के कैसे प्रयोग करते थे, इससे क्या होता है कि आँख के अंदर तिल के तेल से जो ऐसे बनी होगी और कांसे के बर्तन में बनी होगी या पीतल के बर्तन में बनी होगी या तांबे के बर्तन से बनी होगी, वो क्या करेगी, आँख के अंदर कई बार सफ़ेद रंग का वो फूला आ जाता है, सफ़ेद रंग सा हो जाता है आँख के अंदर, उसको ये साफ कर देती है लगाने से। तो ये इसके अंदर कई बार क्या है, कई इस कालेज के अंदर इस कालिश को उतार के निकाल के और इसके अंदर अलग अलग चीज़ें मिला के अलग अलग तरीके से प्रयोग करते थे, जो कि हम आपको अभी बताएंगे दिखाएंगे। तो आप देखते रहिए ताकि ये कालिश तैयार हो जाए और आपको हम दिखा सकें कि इसको किस प्रकार से लगाया जाता था और किस प्रकार से बनाया जाता था और कहाँ कहाँ लगाया जाता था। तो अभी देखते हैं, अगर एक इसको क्या है कि कालिश इसकी पूरी तरह उतरेगी, अगर इसको 1-2 घंटा में ऐसे रहने दें रख दें तो धीरे धीरे इसके ऊपर कालिश जमती रहेगी, लेकिन मतलब है कि धीरे धीरे इसकी पूरी कालिश हो जाती है, ये सब जानते हैं, और ऐसा हो भी जाता है। अभी हम देख रहे हैं इस पे कितनी एक कालिश जम गई है, ये देखिए ये कालिश जम गई है जो कि अभी ठंडी हो जाएगी और इससे हम काम लेंगे। कैसे लेंगे, अगर इसको बच्चे को लगानी है, किसी को लगानी है, ऐसे भी लगा सकते हैं, मामूली सी ऐसे ले ली हमने, देखो लग गई। और सबसे बड़ी चीज़, छोटे बच्चे को अगर ऐसी बनाई हुई कालिख अगर लगा दें तो नज़र नहीं लगती, और इसको आँख में लगा दें तो कभी आँख कमज़ोर नहीं होगी उसकी, और इसके अंदर अगर थोड़ा सा शहद मिला के लगा देते हैं तो यह आँखों का जितना गंदा पानी है सब निकाल देती है, आँखों की लाली, आँखों की सूजन सब ठीक कर देती है। इसके अलावा जो है इसको लगाने से आँखें कभी कमज़ोर नहीं होती, जो कंप्यूटर का काम करते हैं और हर समय मोबाइल में लगे रहते हैं, तो उन सब में अगर इस चीज़ का प्रयोग करेंगे तो उनको कितना फायदा होगा, ये तो वो खुद ही बताएंगे, तो अच्छा रहेगा, हमारे कहने से क्या बात है। मैं तो यही कहता हूँ कि ये इतना कारगर नुक्ता है कि हमें आज तक कभी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ी, अगर इसका प्रयोग किया जाए कभी आपको चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये आप बच्चों पे प्रयोग करके देखते हैं तो बहुत ही मतलब बेहतर रहता है, बड़े बच्चे छोटे बड़े इसका सब प्रयोग कर सकते हैं,
इसमें कोई साइड इफेक्ट या नुकसान नुकसान वाली कोई बात नहीं है। इसको आप किसी जो आप के उसमें सिंपल ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसको आप, लेकिन पहले जो है प्याज के रस में अगर ये बत्ती आपकी डूबी होगी थोड़ी मामूली तेज लगेगी। ये ध्यान देना है, कोई बिल्कुल छोटे बच्चे को जो है उसको ना ही डालें तो अच्छा है। जो बच्चा समझदार है 8-10 साल का उसको डालें तो ठीक है। बड़ा आदमी डाल सकता है, छोटा बच्चा डाल सकता है, कोई भी डाल सकता है, सबको फायदा करेगी। तो ये बाजार से हम काजल खरीदते हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। अपनी घरेलू ये काजल बनाइए और इससे फायदा उठाइए, आपको इतना फायदा मिलेगा आप हमेशा याद रखेंगे बुजुर्गों को कि हमारे बुजुर्ग इतना कुछ जानते थे जिसको हम भुला बैठे हैं। तो हम वही आपको याद करा रहे हैं बार बार कि अपने बुजुर्गों की एक विरासत को संभाल के रखिए, इसका प्रयोग कीजिए, फायदा उठाइए। वह हमारे चैनल करनाल प्लस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसे घरेलू हमारे बुजुर्गों के नुक्ते आप तक पहुंचते रहें और आपके द्वारा पूरे संसार में फैलते रहें। धन्यवाद आज का हमारा चैनल देखने के लिए, और फिर मिलेंगे।